जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सभी राज्यों के लिए एक नए पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है दोस्तों कि अब आपको 21 दिन का इंतजार नहीं करना है कि 21 दिन के अंदर ही अप्लाई करना है। आप किसी भी महीने का, किसी भी ईयर का, किसी भी डेट का, कभी का भी आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हो या फिर जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर नॉलेज इस विषय में बताने वाले हैं कि आप कैसे साइन अप से लेकर कैसे आप पूरा आवेदन से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ हमने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे रखा है। इस पोर्टल पर राइट हैंड साइड पर ऊपर लॉगिन में आप देखेंगे जनरल पब्लिक का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर जनरल पब्लिक साइन अप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम अपना, लास्ट नेम, उसके बाद मेल फीमेल भरेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो जनरल पब्लिक साइन अप सेकेंड ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, तो एड्रेस यहाँ पर आप भर लेंगे, पिन कोड वगैरह सब सही सही भरेंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है, तो यहाँ पर हम देखिए अपना विलेज सेलेक्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट और जो है सब डिस्ट्रिक्ट के, और विलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जो है इसका पिन कोड भरेंगे अपना। जिस भी यूज़र का आप साइन अप कर रहे हैं उसी का पूरा डिटेल यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर जो आवेदक होता है सेम उसी का अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है अपना स्ट्रीट नेम भी भर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप थर्ड ऑप्शन पे आ जाएंगे। इसके थर्ड स्टेप में यहाँ पर आपको आधार नंबर डालकर वेरीफाई करना और फिर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे, तो हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ओटीपी को यहाँ पर भरेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो जैसे हमने ओटीपी भरा उसके बाद वेरीफाई कर दिया, अब यहाँ पर हमें जो है अपना ईमेल आईडी देना होगा। तो यहाँ पर ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी सेंड किया जाता है। तो यहाँ देखिए हम ईमेल आईडी को फिल कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ से आप आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन घर बैठे कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी डेट का, किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर आप जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं। हम आपको अभी साइन अप करके दिखा रहे हैं, उसके बाद हम आपको आवेदन भी दिखाएंगे किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपने देखा हमने मेल आईडी भर दिया, मेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड हो चुका है। तो अभी हम इंतजार करेंगे, जैसे देखिए मेरे मेल आईडी पर एक ओटीपी आ चुका है, वो यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद रजिस्टर नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे, जो टेक्स्ट हो रहा है वो भर देंगे। उसके बाद रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सामने पॉपअप आ जाता है कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, अब यहाँ पर हमें लॉगिन करना होगा। तो जनरल पब्लिक लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट हो रहा है वो यहाँ पर काउंट करके भर देंगे। उसके बाद में हमारा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन के लिए तैयार हो चुका है। ओटीपी यहाँ पर हमारे मोबाइल पर भेज दिया गया है। तो जैसे मेरे फ़ोन में ओटीपी आता है मैं यहाँ पर ओटीपी को फिल करता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ओटीपी आ चुका है। ओटीपी जैसे आ गया है उसके बाद हम लॉगिन करेंगे, आप डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं तीन, बर्थ, डेथ और स्टिल बर्थ। यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है डैशबोर्ड के बारे में। उसके बाद ऊपर जो है तीन बटन होते हैं, होम, बर्थ और डेथ और अडॉप्शन। तो यहाँ पर हमें जो है बर्थ में जाना है। बर्थ वाले में आप जिस भी उम्र का, जिसका भी, जिस तरह का भी आपको आवेदन करना है वो कर देंगे। उसके बाद डेथ में हमें आपको दिखा रहे हैं रजिस्टर्ड डेथ। अभी यहाँ पर हम आपको एक मृत्यु प्रमाण पत्र को अप्लाई करके दिखाते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर डेथ रजिस्ट्रेशन में आप जाएंगे, सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप प्राइमरी लैंग्वेज में इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी लैंग्वेज में आप अपनी रीजनल लैंग्वेज जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर हिंदी को सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी जैसे भरते हैं उसके बाद में रिपोर्टिंग डेट आपके सामने अपने आप आ जाती है। उसके बाद में आपको अब यहाँ पर मृत्यु का दिनांक देना है, जो डेट ऑफ डेथ का डेट है वो यहाँ पर भर देंगे। तो हम यहाँ पर डेट मृत्यु का दिनांक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। मृत्यु का दिनांक सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मृत्यु की तिथि कन्फर्म करनी होती है। तो देखिए हमने मृत्यु का दिनांक यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है, भर दिया है। उसके बाद अब यहाँ पर हमें जो है मृत्यु की तिथि को क्या करना है, कंफर्म करना है। तो एक यहाँ पर भर दिया हमने एक कॉलम में। अब दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर हमें जो है कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर टाइमिंग देनी है, आप अपने हिसाब से जिस भी डेट में जिस समय लगभग मृत्यु हुई है तो वो भर देंगे। उसके बाद मेल फीमेल किस तरह क्या हैं वो जिनकी डेथ हुई है वो भर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जन्मतिथि फिल करनी होगी। जन्मतिथि आप आधार कार्ड में देखकर भर देंगे, जो भी आपके पर्सन है, जो भी रिलेटिव आपके एक्सपायर हुए हैं जिनका आपको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाना है वो यहाँ पर आप उनका डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर उनका एज जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने जो एज सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एज हमारा सेलेक्ट करने के लिए आ चुका है। तो यहाँ से आप एज सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप ये सब सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर उम्र आ जाती है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम देना होगा,
जिनकी भी डेथ हुई है, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र आप जारी करवाना चाहते हैं, उनका यहाँ पर नाम देंगे। तो प्राइमरी लैंग्वेज में जैसे ही आप भरेंगे वो इंग्लिश में जैसे भरेंगे, सेकेंडरी लैंग्वेज हमारी जो हिंदी कलेक्ट हिंदी चूज़ हुई है तो सेलेक्टेड है, तो यहाँ पर हिंदी ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने भर दिया। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर एक आधार आईडी नंबर देना होगा, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर भर देंगे। आधार नंबर भरने के बाद अब यहाँ पर माता की सूचना अगर आपके पास है तो भर देंगे, फिलहाल मेरे पास माता की सूचना नहीं है तो हम छोड़ देंगे। उसके बाद पिता की सूचना आधार कार्ड में देख लेंगे, उसके बाद भर देंगे। तो यहाँ पर आधार में हमने देख लिया है, पिता का जो आधार है उसमें देखेंगे, जो इनका आधार है उसमें पिता का नाम दिया रहता है पीछे की साइड पे, तो वो देख के हम भर देंगे। तो पिता का नाम यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर आगे का प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे आप मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। तो उनका स्पाउस नेम जो भी इनकी पत्नी का नाम रहा है वो आपको अगर पता है तो भर देंगे, अगर नहीं पता है तो आप इसको आगे की तरफ पढ़ सकते हैं। तो हमें नहीं पता है तो यहाँ पर आप एड्रेस मृत्यु के समय मृतक का पता पूरा जो है आपका जहाँ भी मृत्यु हुई है वो एड्रेस आपको फिल करना है। तो एड्रेस देख लेंगे वो भर देंगे। हमारा जो है रूरल एरिया लगता है तो यहाँ पर हम अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद विलेज, उसके बाद जो है हमारा पिन कोड वो सब भर लेंगे। अब यहाँ पर क्या आपका मृतक का पता और ये स्थायी पता दोनों सेम हैं तो यहाँ पर नीचे आएंगे, उसमें आपको यहाँ पर एस पर टिक करना होगा। तो अभी देखिए यहाँ पर हम जो है अपना लैंडमार्क वगैरह जो भी आसपास का स्ट्रीट नेम वगैरह भर देते हैं। अब यहाँ पर आपको लोकेलिटी में पोस्ट ऑफिस भरने के लिए देखिए हमारा जो है हिंदी ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इसको जो है दोबारा से भरेंगे, यहाँ पर दोबारा से भरेंगे, थोड़ा स्पेस का बटन का प्रयोग करेंगे तो ये जो है हिंदी में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर जो है एस पर टिक करेंगे तो हमारा दोनों एड्रेस ऊपर वाला एड्रेस नीचे की ओर आ जाता है, सेम मृत्यु के समय मृतक का पता वो भी यही है सेम कर देंगे। उसके बाद आपकी ग्राम पंचायत, जिस भी ग्राम पंचायत से आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं वो आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपके कंफर्म करने के लिए आ जाता है कि ये जानकारी सही है, इसको आप रखना चाहते हैं तो हम यस पर क्लिक करेंगे। फिर से कोई यहाँ पर जीवन साथी के बारे में डिटेल पूछ रहा है कि आपने छोड़ दिया है तो मुझे नहीं पता है तो हमने छोड़ दी है, तो उसके बाद कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर आपको स्टेटिस्टिक इन्फॉर्मेशन देने वाली है, तो अब यहाँ पर आपको स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर अपना भाई एड्रेस फिल करना है सबसे पहले, तो एड्रेस फिल करने के बाद मृतक की जानकारी देनी होगी। तो एक एक स्टेप आप यहाँ पर भरते जाएंगे, जानकारी आपको वही देनी है जो सटीक आपके आईडी कार्ड में दी रही है। तो यहाँ पर हम जो है अपना विलेज सेलेक्ट कर लेंगे, विलेज सेलेक्ट करने के बाद नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर धर्म मृतक की जानकारी में यहाँ पर उसका जो है धर्म हिंदू है। अब यहाँ पर शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता जो है कि आप वो पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, तो हम यहाँ पर अशिक्षित को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या था, किस तरह के मजदूर हैं, कि खेतिहर मजदूर हैं, क्या हैं, वो भर देंगे। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन ले लिया है कि वो जो है कामगार मजदूर थे, तो यहाँ पर वो भर दिया। उसके बाद नीचे आपको जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, मृत्यु को प्रमाणित किया गया है, किस तरह की मृत्यु हुई है, एक जानकारी किसी डॉक्टर ने ऑथराइज किया है नहीं किया है, तो हम यहाँ पर स्पेसिफाइड लिख देंगे। सेकंड ऑप्शन में नहीं, थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर बीमारी क्या थी, किस तरह से ख़त्म हुए, तो यहाँ पर नॉट क्लासिफाइड या अदर वाले में कोई भी एक ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि हमें उसका पता नहीं है किस बीमारी से क्या वो एक्सपायर हुए हैं, तो वो भर देंगे। अदर नॉट अदर क्लासिफाइड, इस तरह से भर देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट में आ जाना, यहाँ डॉक्यूमेंट आपको भरना है। डॉक्यूमेंट पहला वाला मैंडेटरी है, डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पर क्या करना है, आपको मृतक का और आवेदक का दोनों लोगों का आधार कार्ड स्कैन करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको आधार स्कैन करके रखना है, उसके बाद ब्राउज करेंगे, यहाँ पर अपलोड कर लेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में और अपलोड कर देंगे। चाहें तो आप फॉर्म 4A यहाँ पर भरकर अपलोड कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन में, अगर नहीं है डेथ सपोर्टिंग फॉर्म में नहीं अगर आपके पास तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए आपके सामने इस तरह से आ जाता है, वो भी लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू आपको देख लेना, प्रीव्यू में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, अगर आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आप एडिट मत करिए, आप इसको जो है फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो अभी मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए आवेदक का नाम, आपने सूचना जो है आवेदक के नाम से ही अकाउंट क्रिएट किया था, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से सबमिट होने के बाद सीधे आपके ग्राम पंचायत को जो सचिव होते हैं उनके पास ये आवेदन पहुँच जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट जो होगा उसमें किस लैंग्वेज में चाहिए आपको, तो यहाँ पर वो हम जो है दोनों लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश और हिंदी।
आप यहाँ पर आपको जो है सबमिट कर देना। सबमिट जैसे ही करते हैं तो सबमिट करने के बाद ही आपका आवेदन फॉरवर्ड हो चुका है इशूइंग अथॉरिटी के लिए, यहाँ जो आपके ग्राम पंचायत सचिव महोदय हैं उनके पास फॉरवर्ड हो चुका है। अब यहाँ पर जब भी ऑप्शन आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी किया, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा, ये इसी पोर्टल पर लॉगिन करके आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, आपका प्रमाण पत्र आपको इशू करके दे दिया जाएगा। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, कोई भी यहाँ पर आपको जानकारी लेनी है तो इस पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।